नमस्कार, हेलो मरी नाइन, मेरा सवाल है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में क्या क्या खास रहने वाला है। आज बाजार में हमने देखा कमजोरी के साथ शुरुआत देखने को मिली, 225 अंकों की बड़ी गिरावट लेकर निफ्टी में शुरुआत हुई, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी भी हो रही है। तो क्या जो गिरावट हुई थी उस पर फोकस करें या रिकवरी में खरीदारी करनी है, इस पर कैसे रणनीति बनानी है, इस पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही खबरों वाले शेयर जहां पे नतीजों का या तो फिर न्यूज फ्लो का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, बदिंग स्टॉक्स में उन शेयरों की चर्चा करेंगे। साथ ही आप को प्राइमरी मार्केट में भी क्या हलचल हो रही है, किस तरह का एक्शन देखने को मिला है, उसकी भी पूरी जानकारी देंगे। शौर्य मेरे सहयोगी में कुछ जुड़ेंगे और बताएंगे किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। और कार्यक्रम के आखिर में चुन चुन के जो स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए लेके आते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मार्केट्स के ऊपर ही फोकस करते हैं। आज हमने देखा बाजार की जो शुरुआत है वो कमजोरी के साथ देखने को मिली, 225 अंकों की बड़ी गिरावट लेकर निफ्टी में शुरुआत देखने को मिली। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में महज 46 अंकों के आसपास की कमजोरी बची है, क्योंकि लोअर लेवल से निचले स्तरों से हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो बाजार में रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो इस रिकवरी में क्या करना है ये समझते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं आपको। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च श्रीकांत चौहान जी आज मौजूद हैं। श्रीकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीकांत जी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि ये तकनीकी तौर पे चार्ट्स को तो पढ़ते ही हैं, साथ ही फंडामेंटल तौर पे भी बाजार के ऊपर पैनी नजर रखते हैं। तो आज दो तरफा फायदा मिलेगा। आपके पास जितने भी सवाल है वो जल्दी से हम तक पहुंचाइए। हमारा नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए, 9311212174 ये हमारा नंबर है, जिसके जरिए आप हमें फोन लाइन के जरिए भी जुड़ सकते हैं और आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। यूट्यूब का माध्यम तो आपके पास खुला ही हुआ है, अपने सवाल जल्दी से हमें भेजना शुरू कीजिए। सर, मैं मार्केट के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। आज हमने देखा कि अमेरिका में जो महंगाई के आंकड़े आए थे कल शाम वो बाजार अनुमान से ज्यादा देखने को मिले। महंगाई में कमी हुई लेकिन बाजार जितनी कमी चाहता था उतनी नहीं देखने को मिली। कल डाउ गिरा 5 दिन की तेजी के बाद, आज हमने भी कमजोर शुरुआत करी, लेकिन शायद बाजार कहीं ना कहीं समझ रहा है कि ये केवल यूएस स्पेसिफिक इवेंट है। लोअर लेवल से जो खरीदारी हो रही है उसमें खरीदारी करने की आप राय देंगे या फिर अभी सतर्क रहना चाहिए? गुड आफ्टरनून संदीप जी। तो देखिए, मुझे लगता है कि इस मार्केट में अगर आप देखें तो मार्केट ने इस इवेंट के पहले काफी कॉशियसनेस दिखाया था। हम लगभग 22,000 के आसपास थे, फ्रॉम 22,000 ऑल द वे हम करेक्ट होते हुए 21,500-21,550 के करीब आए थे, और पिछले 2 या 3 दिनों से अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम्स हमने इन्हीं लेवल्स को छुआ था। इसके बाद अगर आप देखें तो जो इवेंट अनफोल्ड हुआ है, जहाँ पे एक क्लैरिटी आ गई कि अभी इन्फ्लेशन जो है यूएस का वो कम जल्दी से होने वाला नहीं है, और वहां पे जो रेट कट एक्सपेक्टेड थी शायद मार्च अप्रैल में, वो अभी जून के बाद देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि एक वहां पे सेंटिमेंट बिगड़ा और वहां के मार्केट ये पर्टिकुलर न्यूज के पहले काफी ऊपर ट्रेड कर रहे थे, यानी ऑल टाइम हाईज में वो ट्रेड कर रहे थे। S&P 500 लीजिए या नैस्डैक लीजिए, सभी अपने ऑल टाइम हाईज में थे, और इसी वजह से वहां का जो रिएक्शन है वो काफी हाई था। बट अगर हमारे मार्केट्स देखें तो हम ऑलरेडी काफी कॉशियस थे, और अगर हमारे इंडियन डोमेस्टिक फ्लोस को देखें तो हमारे जो इन्फ्लेशन नंबर्स थे संदीप जी, वो काफी हद तक कंट्रोल में थे, और इसी वजह से मुझे लगता है कि आज मार्केट ने जैसे ही इवेंट खत्म हुआ तो कॉशियसनेस जो थी वो खत्म हो गई और वापस सिलेक्ट बाइंग मार्केट में आ चुकी है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि आज हमने कुछ बैंक स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखी है, और इनफैक्ट कल से हम तेजी देख रहे थे, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो रेट कट की जो पॉसिबिलिटी थी शायद जून या जुलाई में आए, अभी वो बढ़ के अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर के थर्ड क्वार्टर में, यानी कि FY25 के थर्ड क्वार्टर में ये रेट कट की पॉसिबिलिटी इंडिया के लिए बनी है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट प्राइवेट बैंक्स को होता है, और इसी वजह से प्राइवेट बैंक्स में मोमेंटम आया है, और इसी वजह से ओवरऑल मार्केट में भी हमने देखा कि एक ओवरऑल अपवर्ड एक्टिविटी हमें देखने मिली है। तो हमें लगता है कि कुछ करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल इस करेक्शन में आप जहां पे भी लगता है कि काफी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, और हम भी आपको एडवाइस करेंगे आप उन सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करके चलेंगे, निवेश करके चलेंगे, तो यहां पे कमाई के मौके लगातार बनते रहेंगे। ठीक है, तो कमाई के मौके लगातार बाजार में है, निवेश वहां करना है जहां करेक्शन में अच्छे मौके बन रहे हैं, उन सेक्टर्स पे हम चर्चा करेंगे भी। लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था कि यूएस में महंगाई बढ़कर आई है तो इंडिया में बैंकिंग स्टॉक्स पे प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके विपरीत अगर आप देखें जो बाजार को सेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं उसमें PSU बैंक्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। निफ्टी का जो PSU बैंक इंडेक्स है उसमें 2.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। तेल गैस शेयरों में एक्शन देखने को मिला है, 2.25% के आसपास का अपमूव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो लगातार इन सेक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे और आज
फार्मा हेल्थ केयर, इनमें क्यों गिरावट देखने को मिली है इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच आज हम थोड़ा माफी चाहते हैं कि विलंब से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, लेकिन बहुत सारे दर्शक हैं जो कि हमारे YouTube पेज पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पे भी काफी सारी क्वेरीज हमारे पास पहुंच रही है। एक मैं YouTube पे हमारे एक दर्शक हैं उनका सवाल लेके फिर मैं जो फोन लाइन पे हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं उनके साथ भी जुड़ने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल जो हमें मिला है हमारे YouTube पेज पे वो रक्तिम रॉय का है। वो कह रहे हैं, नमस्कार सर, मैं आसाम से बोल रहा हूँ, मेरा नाम संजय रक्षित है। तो रक्तिम रॉय समझे या संजय रक्षित समझे। वो कह रहे हैं कि मैं पहली बार मरीन नाइन के पेज पर अपना सवाल पूछ रहा हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप आसाम से जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ते रहिए, जब भी आपको दुविधा हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आपकी दुविधा को दूर करने की कोशिश करेंगे। इनका सवाल है सर प्रोवेग के ऊपर। प्रोवेग ये सर वही शेयर है जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस समय हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में शेयर आता वो दिखा था, 1059 यानी कि 1059 रुपये का इनका एवरेज प्राइस है। आज भी इस शेयर में एक्शन देखने को मिला, हालांकि इनके प्राइस से नीचे है, आज करीब 6% के आज 7% की तेजी है, 942 रुपये के आसपास है और इन्होंने 1060 रुपये के आसपास खरीदा है। क्वांटिटी इन्होंने शेयर नहीं करी है लेकिन इस शेयर में इनको घाटा हो रहा है, इन्होंने हायर लेवल्स पर ले लिया है, क्या राय होगी सर इस शेयर में? देखिए तो जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है संदीप जी वो प्रवेग में है, राइट? एग्जैक्टली या तो ये स्टॉक वैसे हमारे एक्टिव कवरेज में नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस लेवल पे जैसे कि मार्केट ने ऑलरेडी अच्छा खासा मिड कैप स्टॉक्स पे करेक्शन दिया है तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा और यहाँ से अगर इंतजार करके चलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि हमें लगता है कि जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आते हैं तब तक हमें लगता है कि मार्केट का मोमेंटम जारी रहेगा। इनफैक्ट अभी मार्केट ने इलेक्शन को डिस्काउंट करते हुए अगले आने वाले बजट में क्या अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं उनके ऊपर फोकस करने की शुरुआत कर दी है, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है वो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ मौके भी मिलेंगे जहाँ पे आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को कुछ जहाँ पे भी जैसे अभी हमें लग रहा है कि ये प्रवेग में आगे वाला कितना फ्यूचर ब्राइट है वो पता नहीं चल रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से कोई भी रिबाउंड अगर मिलता है तो आप उसमें से निकलने की कोशिश कीजिए, लेकिन अभी यहाँ से आपको फोकस करना है उन कंपनीज के ऊपर जहाँ पे आपका जहाँ पे लाइक दिस कंपनीज आर नोन टू एवरीवन, लाइक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है या तो आप पकड़ लीजिए कि BHEL है, आप अगर इन सब स्टॉक्स पे फोकस करेंगे तो आपको मुझे लगता है कि उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। चलिए तो प्रवेग में सेल ऑन बाउंस यानी कि कोई भी उछाल आता है तो आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए संजय जी। और देखिए जैसे बातचीत हो रही है स्टॉक्स के नाम आने शुरू हो गए हैं, SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, BHEL, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। लगातार आपको ये शेयर मिलते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप कुछ ऐसे स्टॉक्स की तलाश में हैं जहां पे आपको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए, तो वो नाम आपके सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। स्वप्ना रेड्डी ये हमारी रेगुलर दर्शक हैं, ये हमारे साथ यूट्यूब पेज पे लगभग रोज जुड़ती हैं। सर नवकार कॉप ये एक शेयर है जिसमें ये पूछ रही हैं कि क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर अगर आप देखेंगे आज लाइमलाइट में है, बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी हो रही है, शेयर में 8.5% का आप मूव देखने को मिल रहा है, 117.30 रुपये के आसपास की जो प्राइसिंग है वो देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में स्टॉक डबल हो चुका है सर, लोअर लेवल्स पे अगर आप देखेंगे तो 60 रुपये के नीचे था, अब 117 रुपये के आसपास आ गया है, तो 6 महीने में 100% के मूव के बाद क्या अब इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? तो देखिए अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल पैटर्न को देखते हैं सबसे पहले तो हमें यही नजर आता है कि इसमें एक अच्छा खासा पुल बैक बना हुआ है। ये स्टॉक तकरीबन कभी 250 रुपए के करीब ट्रेड करता था इन द ईयर 2017-18 और उसके बाद लगातार गिरते हुए स्टॉक 20-25 रुपए के करीब आ गया था, पर अभी उसके बाद उसमें मोमेंटम आ रहा है और ओवरऑल ब्रॉडर इकोनॉमी के परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगता है कि ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं उसमें हमें हमेशा एक अच्छे एक्टिविटी देखने मिलती भी है। तो करंट फॉर्मेशन को देखते हुए तो बिल्कुल हमें लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली एक बार 180-190 के लेवल्स दिखा सकता है, जो यहाँ से एक अच्छी डिसेंट अपसाइड कही जा सकती है, तो आप बिल्कुल इसमें बने रहे। साथ ही साथ इसमें अगर कुछ जो बाजार के फ्लोस थे वो यही थे कि शायद इस कंपनी में कोई ना कोई टेक ओवर आ सकता है, लेकिन राइट नाउ कंपनी ने उसे डिनाई किया हुआ है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक मोमेंटम में भी है और साथ ही साथ न्यूज फ्लो में भी है, तो आप बिल्कुल इसमें बने रहे। ठीक है, तो ये जो सर 180-190 की आप बात कर रहे हैं, मेरे दो चीज़ें हैं इसमें जो कि मैं चाहूँगा आप इसमें ऐड कर दीजिए, 180-190 कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जिनके पास है अगर होल्ड करना है शेयर को तो उसको स्टॉप लॉस भी दीजिए एक। बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है संदीप जी अगर यहाँ पे अगर मुझे कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर होल्ड करना है तो मैं कम से कम इसे जुलाई के बजट तक होल्ड करने की कोशिश करूंगा, यानी कम से कम यहाँ से 6 महीने का अगर प्रोविजन रखते हैं होल्ड करने का तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा टाइम पीरियड हो सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस सर
और स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें रखना है तकरीबन 100 रुपए के करीब का, क्योंकि 100 रुपए के नीचे अगर स्टॉक सस्टेन अगर होने लगता है तो फिर इसमें कुछ और दिक्कतें आ सकती है। तो ठीक है 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 180 का टारगेट। ठीक है। स्वप्ना जी, आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल आ गया है 100 रुपये का। अगर आप इतना रिस्क ले सकती हैं तो आपका जो रिवॉर्ड है 180 190 तक भी हो सकता है। तो आप स्टॉक में इन लेवल्स के साथ चाहें तो एंट्री कर सकती हैं। विवेक इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से। विवेक जी नमस्कार, बताइए नमस्कार कैसे हैं आप सर? जी बस बढ़िया है सर। क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मैं NBCC के शेयर के मैं न्यू फ्रेश एंट्री के बारे में जानना चाहता हूँ। इस समय 130 का भाव है। हाँ, कल नतीजे आए थे और आज इस स्टॉक में ऊपरी सर्किट लगा हुआ है 5% का। जी 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 तो क्या आप रिजल्ट्स को देख के इसमें एंट्री करने की सोच रहे हैं या फिर 5% का ऊपरी सर्किट देख के? नहीं 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 रिजल्ट देख के। अच्छा, तो आपने रिजल्ट देखे हैं इसके? जी जी आपने ये देखा है विवेक जी, पिछले 6 महीने में ये शेयर 175% चल चुका है, 83 रुपये का आप मूव इसमें आ चुका है। ये शेयर 50 रुपये के नीचे ट्रेड करता था और आज 130 रुपये का भाव हो चुका है। तो आप इन लेवल्स पे लेने के लिए सोच रहे हैं? आपने पिछले का पीछा जो अप मूव आया है पीछे सारा वो आपने देखा है? जी जी असल में मैं ले नहीं पाया था, मेरे पास बजट नहीं था उस समय, और शेयरों में इन्वेस्ट कर रखा था मैंने, जिसमें मैं प्रॉफिट बुक भी कर चुका हूँ। तो लेकिन अब जो है मैं ये चाहता हूँ कि NBCC में भी एंट्री कर सकूँ। तो आप री एंटर करना चाहते हैं, एक बार बताएंगे कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था आपने? जी मैंने जो है आपके माध्यम से ही ओसवाल ग्रुप का ही सवाल पूछा था, जिसमें मुझे बताया गया था कि आप एग्जिट हो जाओ, तो उसमें मैंने लगभग 50 शेयर लिए हुए थे, क्या भाव मुझे लगभग लगभग जी लगभग उसमें जो है मैंने 22 रुपए का उसमें लिया था और अच्छा। जो है उसे बेच दिया था मैंने, अभी कम से कम 5 दिन पहले बेचा है मैंने उसे, अच्छा 55 के भाव में बेच दिया था, लगभग 17% का प्रॉफिट बुक हुआ था मेरा। अच्छा, तो ओसवाल ग्रुप में आपने पहले एंट्री की थी, NBCC में पहली बार एंट्री करना चाह रहे हैं? जी 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 ठीक है। तो श्रीकांत जी से पूछते हैं, सर अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला है, रिजल्ट्स बहुत ही सॉलिड आए थे इनके कल, जो इन्होंने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं, आज 5% का ऊपरी सर्किट है, 6 महीने में फिनोमिनल रन अप स्टॉक ने दिखाया है, क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं इन लेवल्स पे? देखिए बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि नंबर्स भी अच्छे आए थे और इस बार इनफैक्ट ऐसे एक्सपेक्टेड था कि जितने भी PSU के नंबर आएंगे उस नंबर के कंपैरिजन में स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी आ चुका है, और इसी वजह से रिजल्ट्स के पहले हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा हर एक PSU स्टॉक में। तो NBCC भी अगर आप देखें तो ये तकरीबन ट्रेड कर रहा था कुछ 175 के करीब और अभी गिरते हुए लगातार वो 120 के करीब आया था, तो यहाँ से बिल्कुल निवेश करके चल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार की जो अपसाइड होगी वो शायद थोड़ी सी कम हो सकती है। हमें लगता है कि अगर आप करंट लेवल से खरीदते हैं विवेक जी, तो 130 में आप खरीदे, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 165 से लेकर 170 रुपए का। जब तक ये अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस ना करे तब तक हमें लगता है कि ये स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा, बट चूंकि नंबर्स अच्छे दिए हैं और ओवरऑल ये पर्टिकुलर सेक्टर में हमें लगता है कि मोमेंटम काफी हाई है, तो बिल्कुल इसे आप करंट लेवल से भी खरीद के चल सकते हैं। ठीक है सर, एक सर प्रीवियस हाई जो आप मेंशन कर रहे हैं सर वो 176 रुपये 85 पैसे का है, विवेक जी मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, सर इनको एक स्टॉप लॉस भी दे दीजिए प्लीज। देखिए अगर स्टॉप लॉस रखना है तो आपका स्टॉप लॉस यही होगा कि जो भी लेटेस्ट जो नियरेस्ट लोएस्ट लेवल बने हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि कल के लोएस्ट लेवल थे 120 रुपए के, तो आपको 115 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और ठीक है सर खरीदारी करके चलना है। विवेक जी खरीदारी कीजिए, जरूर कीजिए, नया जो फ्रेश हाई बना था पहले शेयर में वहां तक स्टॉक जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए आपको जितना टारगेट का ध्यान रखना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टॉप लॉस, जो कि आपको 115 रुपये पे बताया गया है। इन केस कोई मार्केट में गिरावट आती है शेयर में, अगर कोई सेंटिमेंट बिगड़ता है तो 115 रुपये पर आपका घाटा रुक जाए, रिस्ट्रिक्ट हो जाए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। चूंकि सर सरकारी शेयरों की या PSU शेयरों की बात हुई है, आप भी मेंशन कर रहे थे, हमारे जो अगले दर्शक हैं हमारे यूट्यूब पेज पर जिन्होंने अपना सवाल शेयर किया है, उन्होंने दो ऐसे ही PSU के ही नाम लिए हैं, वसीम जैदी जी उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। एक तो सर उनके पास IOB के शेयर हैं, 50 शेयर उनके पास हैं, 48 रुपये उनकी कॉस्ट है, अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं, 66 रुपये का प्राइस है इस शेयर का, और दूसरा नाम है NHPC का। NHPC तो इनफैक्ट सर रोज इस वे कोई ना कोई जो कॉलर है हमारे जो दर्शक हैं वो हमसे सवाल पूछते हैं, NHPC इनके पास 50 शेयर हैं, 88 रुपये इनका एंट्री प्राइस है और 86 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो NHPC पे तो जिन लेवल्स पे इन्होंने खरीदा था उसी के आसपास ही है, लेकिन IOB में अच्छा मुनाफा बना रहे हैं, दोनों शेयरों पर अपनी राय दीजिए सर। बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर IOB की बात करें तो यहाँ पे अच्छे खासे
रिटर्न्स इनके बन रहे हैं, काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी एक बार इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ठीक आने है, वाला वक्त जो रहेगा वो काफी वोलेटाइल रहेगा और काफी सिलेक्टिव रहेगा। तो इसमें से एक बार प्रॉफिट बुक करके या तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक को ले सकते हो, जो 250 260 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसके भी नतीजे काफी अच्छे थे, और हमें लगता है कि आने वाले 6 महीने में कुछ जो लार्ज कैप कंपनीज है या तो मिड साइज कंपनीज है, वहां पे हमें लगता है कि और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। तो आप आईओबी को बेच के बैंक ऑफ बड़ौदा को खरीद के चल सकते हैं, और साथ ही साथ जैसे आपने एनएचपीसी की बात कही, हमें लगता है कि यहाँ पे भी अच्छा खासा मोमेंटम बना रहेगा। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर ये 100 रुपए के करीब अगर ये स्टॉक आ जाता है, तो उन लेवल्स के करीब आप मुनाफा वसूल करके चल सकते हैं। अगर आपको ठीक है, स्टॉप लॉस रखना है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा एनएचपीसी का @77, और आईओबी के लिए अगर स्टॉप लॉस रखना है तो जो कल के लोएस्ट लेवल्स थे दैट इज अराउंड 60, 60 का स्टॉप लॉस आप आईओबी के ऊपर रख के चल सकते हैं। आईओबी में आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे होल्ड भी कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस दिया गया 60 रुपए का। आईओबी के जो पैसा आएगा, जो आप बेच के पैसा आएगा आपके पास, उसको आप स्विच कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। सो बैंक ऑफ बड़ौदा में टारगेट क्या होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के टारगेट हमें अच्छे नजर आ रहे हैं, हमें लगता है कि ये स्टॉक 320 330 के भी लेवल्स दिखा सकता है, तो ठीक, तकरीबन 40 से 50% की अपसाइड आने वाले 6 महीनों में एक्सपेक्टेड है। इट इज बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, फंडामेंटली हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में और भी आने वाले नंबर्स के बाद अपग्रेड्स आने की संभावना है। फेयर इनफ सर। तो जैदी साहब, आपके लिए राय ये है कि आईओबी से आप एग्जिट करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा में स्विच कर जाइए। 6 महीने का व्यू रखेंगे तो 320 330 तक के टारगेट आ जाएंगे, और एनएचपीसी में 100 रुपये तक के आपको आ सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस रखना है 77 रुपये का। इस स्टॉक को आप होल्ड कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्टली आप फॉलो कीजिएगा। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है, उनके पास चलते हैं और जानते हैं। सत्यम जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे। सत्यम जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर, नमस्कार सर, मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। ओके सर, मेरे पास यस बैंक के 500 शेयर है 28 रुपए के भाव से, ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है सर। और BHEL के 315 शेयर है 207 रुपए के भाव से सर, 207 रुपए के भाव पे। जी, दोनों का लॉन्ग भी है, टर्म व्यू है सर। लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन आपको लिए हुए कितना टाइम हो गया इनको? ये मैंने कल ही लिया सर। अच्छा, कल ही लिया। यस है। बैंक का 2 दिन पहले लिया सर, और वेल का कल लिया। अच्छा, तो यस बैंक आपने हाल फिलहाल जो अपमूव आया उसके बाद लिया, कोई न्यूज फ्लो था उस वजह से लिया, या आपको किसी ने रिकमेंड किया इस वजह से खरीदा आपने? नहीं, हाल फिलहाल जो न्यूज आया उस वजह से लिया सर, कि HDFC बैंक को इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। हाँ, और SBI ने भी सर बोला वो सेल नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो BHEL में सर इनके पास 207 की परचेज के रखे हुए हैं, 315 शेयर, 220 रुपये का भाव है। और यस बैंक जिस लेवल पे इन्होंने एंट्री की है 28 रुपये के आसपास, वहीं पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। न्यूज़ फ्लो के आधार पे इन्होंने लिए हैं 28 रुपये 35 पैसे का भाव है। दोनों शेयर ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या राय होगी आपकी? बिल्कुल, तो अगर देखिए दोनों स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मैं तो कहूंगा काफी अच्छा है, क्योंकि अगर BHEL की बात करें तो करंट लेवल्स पे इसने अपने जितने भी फंडामेंटल के बेसिस पे या वैल्यूएशंस के बेसिस पे लेवल्स या फेयर वैल्यू को रीच करना है वो तो ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, लेकिन अगर ऑलवेज मार्केट क्या करता है कि फ्यूचर को डिस्काउंट करते रहता है, तो आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में जो भी डेवलपमेंट्स हो सकती है इंडिया में बेस्ड ऑन इट्स ओवरऑल रिफॉर्म्स एंड न्यूज फ्लो फॉर दी पावर एंड जनरेशन कंपनीज, तो मुझे लगता है कि इंफ्रा कंपनीज, तो यहाँ पे हमें लगता है कि BHEL में और भी यहाँ से यहाँ इन लेवल से भी और हायर लेवल्स पे जाने की गुंजाइश बनती जा रही है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल आप इसमें बने रहे। इस बार के इस जिसने नंबर्स अनाउंस किए थे वो भी नंबर्स काफी अच्छे थे, और इसी वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली और भी आने वाले दिनों में अपग्रेड होते हुए नजर आएगा। तो तकरीबन 300 325 के टारगेट्स हम बेस्ड ऑन टेक्निकल्स निकाल सकते हैं। बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स देखें तो हमें लगता है कि 200 रुपए के करीब किसकी फेयर वैल्यू है, और इसी वजह से 200 रुपया अभी इसके लिए एक बेंचमार्क बन जाएगा। इन लेवल्स के ऊपर ही सस्टेन होते हुए नजर आएगा, और अच्छे मार्केट में स्टॉक हायर लेवल्स की तरफ बढ़ते रहेगा। तो BHEL को आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे बिल्कुल होल्ड करके रखिए। यस बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे जो नजरिया होना चाहिए वो 12 से 18 महीने का होना चाहिए। अगर आप ठीक सिर्फ है, 1 साल का नजरिया रखते हो तो 1 साल में बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ से 12 से 18 महीने का अगर आप नजरिया रखते हो तो हमें लगता है कि ओवरऑल BFSI सेक्टर में और भी मोमेंटम बनेगा, और उस वक्त
जहां पे भी वैल्यू बनेगी वो स्टॉक्स में तेजी बनेगी। तो हमें लगता है कि यस बैंक इवेंचुअली परफॉर्म करते हुए नजर आएगा, बट थोड़ा उसे वक्त देना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। BHEL में 200 रुपये के आसपास का जो बेस फॉर्मेशन है वो देखने को मिल सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो स्टॉप लॉस है BHEL में वो 200 रुपये के आसपास का होना चाहिए। सर चूंकि बैंकों की बात चली है और येस बैंक की बात चली है, तो मैं HDFC बैंक को यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। HDFC बैंक में हम देख रहे हैं कि एक अप मूव बना था, लोअर लेवल से रिकवरी हुई थी, लेकिन आज फिर से देखिए स्टॉक में परेशानी देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है, 2% के आसपास की कमजोरी स्टॉक में है। 1400 रुपये का जो लेवल है वो भी स्टॉक ने तोड़ दिया है। रिसेंट जो लो इसने टच किया था नंबर्स के बाद वो 1363 रुपये का था, इनफैक्ट आज ही टच किया है 1363 रुपये का, इसने 52 वीक लो टच किया है। क्या राय होगी सर आपकी? हर कोई कह रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, ये काफी अच्छे मौके हैं, लेकिन स्टॉक में कुछ ऐसा खरीदारी का रुझान देखने को मिल नहीं रहा है, क्या बड़े निवेशक इससे एग्जिट कर रहे हैं? तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर थीम चल रहा है तो वो है PSU उसका, राइट। और जब PSU का थीम चल रहा है तो वहां पे हर एक एंटरप्राइज या हर एक पर्टिकुलर स्टॉक को काफी क्लोजली वॉच किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ इट्स मल्टीपल्स, इन टर्म्स ऑफ इट्स ओवरऑल विजिबिलिटी इन द फ्यूचर। तो अगर आप देखें तो राइट नाउ विजिबिलिटी सभी बैंकों की काफी स्ट्रांग, काफी तगड़ी बन चुकी है। बट अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें तो HDFC बैंक के मुकाबले अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो मैं बात कर रहा था वहां पे वैल्यूएशंस अभी भी काफी सस्ते हैं। तो क्या हो रहा है कि इस मार्केट में जहाँ पे भी जिन लोगों ने भी इस मार्केट को इन्वेस्ट करने से चूके हैं वो उन स्टॉक्स को खरीद रहे हैं जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट काफी हाई है। नो डाउट कि सभी PSUs अपने ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईएस्ट पैरामीटर्स को छू रहे हैं, लेकिन अगर आप इन सभी कंपनीज को अगर आप प्राइवेट बैंक के साथ कंपेयर करते हैं या तो प्राइवेट कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं तो अभी भी उनमें जो मल्टीपल्स है वो काफी कम है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि काफी सिलेक्टिव बाइंग चल रहा है और PSUs में, और साथ ही साथ प्राइवेट बैंक्स में हमें लगता है कि जो और खरीदारी आनी चाहिए वो खरीदारी रुकी हुई है। साथ ही साथ अगर आप FI का नजरिया देखें तो FI को जो डॉलर इंडेक्स है वो काफी ऊपर दिख रहा है, 105 के करीब आ चुका है। जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.35 के करीब आ चुका है। तो इसी वजह से उसे इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा डालने की अभी कोई जल्द जरूरत नहीं है और इसी वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो सेल कर रहे हैं, और अगर उनको सेल करना है तो उनके पास जो ओवरऑल कोई अगर पोर्टफोलियो है तो वो प्राइवेट बैंक का है। इसी वजह से प्राइवेट बैंक काफी प्रेशर में है। बट अगर यहाँ से एक लंबी अवधि का नजरिया है, 12 से 18 महीने का नजरिया है, तो मैं कहूंगा कि आप HDFC बैंक इन लेवल्स पे खरीद के चल सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 1700-1800 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। तो काफी अच्छे लेवल्स है खरीदारी करने के लिए, बट साथ ही साथ मैं कहूंगा कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बाद आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन इवेंचुअली आपको ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देके जा सकता है। ठीक है, तो 12 से 18 महीने का नजरिया आपको रखना है HDFC बैंक में, 1700 से 1800 तक के जो लेवल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। FIs की बिकवाली चल रही है, विदेशी निवेशक बेच रहे हैं, उस वजह से शेयर में प्रेशर देखने को मिला, लेकिन अगर नजरिया लंबा है 12 से 18 महीने का तो अच्छे रिटर्न्स इस लेवल पे अगर आप खरीदारी करते तो आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, निवेश, बचत, खर्च और बीमा से जुड़ी अगर आपको कोई परेशानी है या आपके मन में कुछ सवाल है तो आप आज उनका समाधान कर सकते हैं। 99 एक बार फिर आपके लिए लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम समिट का दूसरा संस्करण। लगातार दूसरे साल देश के शीर्ष वित्त निर्माता, वित्तीय सेवाओं के दिग्गज और निवेश गुरु दिन भर आज चर्चा करने वाले हैं, जो आपको बताएंगे कमाई, खर्च, निवेश और बचत से जुड़ी हुई बारीकियां। अगर आप भी अपनी वित्तीय सेहत को बनाना चाहते हैं मजबूत तो जुड़ जाएं Money9 लाइव के साथ, क्योंकि ये जो दूसरे संस्करण की हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ये मुंबई में शुरू हो चुका है। आप लाइव जुड़ सकते हैं और अपनी कोई अगर वित्तीय दिक्कत है, कोई परेशानी है, खर्च से लेकर या फिर बचत से लेकर कोई भी आपके मन में सवाल है तो उन सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। लाइव जुड़ सकते हैं, ये कार्यक्रम आपको हमारे यूट्यूब चैनल और उसके साथ साथ बाकी मीडिया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी लाइव देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक सक्सेना महादेव, इन्होंने अपना सवाल शेयर किया है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर। अदानी टोटल गैस के इनके पास 1034 और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के 1199 के रेट के इनके पास शेयर रखे हुए हैं, क्या इनको होल्ड करें या सेल करें? इनके पास 1 से 2 महीने का नजरिया है। मैं आपसे कहूंगा विवेक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, बजिंग सेगमेंट में आपका जवाब जो है आपको मिल जाएगा, आपका जो सवाल है। इस बीच रजनी जी, उन्होंने अपना सवाल हमें पूछा है, ये हमारे साथ कल भी जुड़ी थी और कह रही थी कि कल इंडस्विफ्ट लैब्स को लेकर जो मेरा सवाल है उसका जवाब नहीं मिल पाया था, क्योंकि जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े थे उनके पास ये चार्ट नहीं खुल पा रहा था। श्रीकांत सर, इस स्टॉक को लेकर
इनकी दुविधा यह है कि इनके पास 100 शेयर हैं, 112 रुपए के भाव पर इन्होंने लिए हैं। वो जानना चाहती हैं कि क्या इसमें स्टॉप लॉस होगा और क्या वो इसमें एवरेज भी कर सकती हैं। 100 रुपए के आसपास से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इनकी एंट्री 112 रुपए की है। बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि देखो 112 की अगर आपकी खरीदारी है, 112 या 122 की संदीप जी, 112 सर, 112 112 की खरीदारी है और अभी लगता है कि शायद 100 स्टॉक कुछ 100 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। वैसे देखा जाए तो टेक्निकल पैटर्न तो यही इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा, 120 या 100 रुपए के करीब। हमेशा हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में और थोड़ा वक्त निकालते हुए दिख सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखिए 10-12% का अगर या 20% का भी अगर आपको लॉस हो रहा है, इट्स ओके, बिकॉज 20-25% का लॉस मार्केट में अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हो तभी जाके आप 50-75% रिटर्न कमा भी सकते हो, बट बड़ा लॉस नहीं करना चाहिए। सो 25% के ऊपर अगर आप लॉस कर रहे हो तो आपको काफी लाइक 10 बार सोचना पड़ता है, लेकिन अगर आप 20-25% के अंदर अगर आप लॉस बुक कर रहे हो तो आप बिल्कुल आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए। मैं आपको ये कहूंगा कि यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टॉक है फार्मा में कि जहाँ आप उन स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करके चलोगे तो आपके रिटर्न अच्छे बन सकते हैं। मैं आपको कुछ विकल्प देना चाहूंगा, लुपिन लेबोरेटरीज एक अच्छा लग रहा है हमें, ये स्टॉक हमें लगता है कि लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देते रहेगा, क्वार्टरली नंबर्स भी इसके आने वाले कुछ हफ्तों तक सॉरी कुछ क्वार्टर्स तक अच्छे रह सकते हैं और ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को यानी 2000-2100 के लेवल्स को छू सकता है। इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं कि जल्द होगा, लेकिन बढ़ सकता है। साथ ही साथ अगर आपको कुछ मोमेंटम स्टॉक्स में अगर खरीदारी करनी है तो मैं कहूंगा कि सन फार्मा एडवांस रिसर्च जो 350-375 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मोमेंटम काफी बना हुआ है। ओवरऑल अगर आप सन फार्मा को देखें तो वहां पे भी काफी मोमेंटम है, तो आप सन फार्मा एडवांस रिसर्च में आप इसे शिफ्ट कर लीजिए और मुझे लगता है कि आप इसे होल्ड करेंगे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स तो रिटर्न्स आपको शायद पॉजिटिव बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये राय है फिलहाल इंस्टीट्यूट लैब्स को लेकर। रजनी जी, उम्मीद है कल आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था, आज उसका समाधान हो गया होगा। आप चाहें तो स्विच भी कर सकती हैं, आपको दो ऑप्शन भी दिए गए हैं, लुपिन और सन फार्मा। इन दोनों स्टॉक्स में अगर आप निवेश करती हैं और होल्ड करती हैं, थोड़ा नजरिया आप लंबा लेके चलती हैं, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न इनमें भी देखने को मिल सकते हैं। एक फोन लाइन पे दर्शक हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले एक रियल ट्रू तक इन्होंने सर HCL टेक का टारगेट प्राइस पूछा है। ओवरऑल आईटी एज अ पैक में हमने देखा है जैसे कल महंगाई के आंकड़े आए हैं, कल यूएस में भी आईटी स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली, क्योंकि ये ग्रोथ से रिलेटेड सेक्टर है। अगर महंगाई ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है ब्याज दरें ऊंची बनी रहेंगी, तो उससे ग्रोथ पे कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है अगर ब्याज दरें ऊंची रहती है, और इस सेक्टर का ग्रोथ से ही कहीं ना कहीं वास्ता है। और जो आईटी स्पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि आईटी स्टॉक्स पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। HCL टेक के लिए आपके क्या टारगेट होंगे, ओवरऑल कोई आईटी स्टॉक में कोई रणनीति आप जो बताना चाहेंगे बिकवाली या खरीदारी की ऐसे मोमेंट पे जहां पे महंगाई बढ़कर आई है यूएस की? देखिए, तो अगर HCL टेक की अगर बात करें तो यहाँ पे इनफैक्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है अगर आउट परफॉर्मेंस देखें तो इट इज मच मच हायर देन अदर एनी अदर आईटी कंपनी। नो डाउट कि TCS ने अपने ऑल टाइम हाईस को क्रॉस किया है, लेकिन HCL टेक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाईस के ऊपर लगातार बना हुआ है। तो सबसे पहले इसका एक क्लियर इंडिकेशन यही आ रहा है कि यहाँ पे कुछ और भी मोमेंटम बन सकता है। ये स्टॉक यहाँ से भी और परफॉर्मेंस देते हुए शायद 1800 के लेवल्स छू सकता है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 1620-1600 के करीब इसके फंडामेंटल्स लेवल्स अचीव हो चुके हैं, तो उन लेवल्स को आप एज अ बेंचमार्क एज अ स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हैं, बट यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक 1800 तक जा सकता है। तो फिलहाल ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को आप होल्ड करके रखें, और अगर आपको कुछ नया निवेश करना है आईटी में ही करना है तो मैं कहूंगा कि इंफोसिस टेक्नोलॉजी इसे खरीद के चले, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों में हमें लगता है कि शायद 1800-1900 के लेवल्स दिखा सकता है, तो इंफोसिस टेक्नोलॉजी काफी अच्छा विकल्प रहेगा, लेकिन HCL टेक्नोलॉजीज को भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, HCL टेक को होल्ड कीजिए, इंफोसिस भी अच्छा विकल्प हो सकता है जहां तक आईटी सेक्टर की बात है। अर्चित जैन हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अर्चित जी कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर, मैं इंदौर से बात कर रहा हूं सर। अच्छा बताइए सर। सर मैंने MTAR टेक्नोलॉजीज के 2300 के भाव में 30 शेयर्स लिए हुए हैं सर, तो इस पे अभी मैं एवरेज कर लूं या होल्ड करूं, क्या कर सकता हूं सर? आप प्लीज बता दीजिए, काफी लॉस में चल रहा हूं। काफ़ी ऊपर आपने ले लिए, ये उस समय की बात है शायद जब ये स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में था, ऊपर की ओर चलता था। कल इनफैक्ट इसके नतीजे आए हैं। अर्चित जी, अगर आप मेरी एक गुजारिश मानेंगे, आप थोड़ी आप चाहें तो फोन लाइन पे हमारे साथ कनेक्ट रहिए, या तो फिर आप
थोड़ा समय रुक जाइए, हम आगे बजिंग सेगमेंट में स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे 5-10 मिनट में आपको आपका जो जवाब है वो मिल जाएगा। मैंने आपका सवाल नोट कर लिया, आपके पास 30 शेयर हैं 2300 रुपए के भाव पर, जो कल नंबर्स आए हैं नंबर्स भी अच्छे नहीं आए, उसके बाद आज फिर से स्टॉक में 10% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो थोड़ा सा वक्त दे दीजिए आप, हम वापस स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहें तो बने रहिए या शो को आप लगातार यूट्यूब पेज पर हमारे देखते रहिए, मैं आपके सवाल का जवाब आप तक पहुँचाऊँगा। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जिन्होंने यूट्यूब पेज पर अपना सवाल शेयर किया है, दीपक सिंह जी कह रहे हैं, मैं जनपद रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से आपका चैनल बराबर देखता रहता हूं। रुद्र जी, दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपना जो प्यार है हम तक बरसाते रहिए, देखते रहिए। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी दुविधा है, कुछ आप समझना चाहते हैं बाजार के बारे में, निवेश से जुड़ा हुआ, खर्च से जुड़ा हुआ, कोई भी चीज़ आप समझना चाहते हैं तो लगातार मनी लाइन के साथ आप जुड़े रहिए। इनका जो सवाल है सर, वो पीटीसी इंडिया को लेकर है। इनके पास 200 शेयर हैं जो कि इन्होंने खरीदे हैं 230 रुपये के भाव पर, और वो कह रहे हैं कि मैं 6 महीने तक और इस शेयर को होल्ड कर सकता हूँ। 200 शेयर लिए हैं 230 के भाव पर, और अभी जो भाव चल रहा है वो 200 रुपये के नीचे का है, इनफैक्ट 190 के भी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और आप चार्ट देखिए, जो आखिरी कोना आप देख रहे हैं राइट साइड में ऊपर, वहाँ आप देखेंगे कि ये लगातार स्टॉक हायर लेवल से करेक्ट होता हुआ दिखा है, क्योंकि आप एक महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो 5% गिर चुका है, और 6 महीने में ज़रूर इसमें 60% के आसपास का आपको नज़र आएगा, क्योंकि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी इसने दिखाई है, लेकिन अब हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ रहा है और इन्होंने शायद हायर लेवल्स पर इसमें एंट्री कर ली है। क्या राय होगी सर पीटीसी इंडिया में, जिन्होंने 230 पे लिया है? बिल्कुल, तो देखिए जब इस मार्केट में भी इस बार हमने करेक्शन देखा तो स्पेसिफिकली रेलवे स्टॉक और पावर स्टॉक्स में या पावर एंड यूटिलिटी स्टॉक्स में हमने काफी अच्छा करेक्शन देखा। उसका सबसे बड़ा रीजन भी यही था कि इनमें हमने काफी स्पेक्टैकुलर रैली देखी थी और इसी वजह से करेक्शन भी उतना ही तगड़ा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक तकरीबन 180 के करीब स्टेबलाइज होते हुए नजर आ सकता है। अगर मार्केट में दिक्कतें और अगर बढ़ जाती है शायद तो पॉसिबल है कि शायद ये 160 रुपए तक आ सकता है, जो वर्स्ट का वर्स्ट हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है। लेकिन साथ ही साथ अगर मार्केट में मोमेंटम अगर वापस से अगर संभल जाता है मार्केट का मोमेंटम, और अगर इन सब स्टॉक्स में अगर तेजी बनती है, जो पॉसिबल है, क्योंकि फ्यूचर के जो सेक्टर्स है वो वही है कि पावर, यूटिलिटी, ग्रीन एनर्जी और साथ ही साथ रेलवे, तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक वापस से 230 से लेकर 240 के लेवल्स आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर 230 से 40 के लेवल से अगर आपको वापस से दिखाई देते हैं तो आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए, और आपको जो इन्वेस्ट करना है वो तो आप या तो एनटीपीसी या एनएचपीसी में करके चल सकते हैं। एनटीपीसी या एनएचपीसी, पीटीसी की जगह एनटीपीसी या एनएचपीसी, इस शेयर में आप शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ कह रहे थे सर आप? बिल्कुल नहीं, एनटीपीसी और एनएचपीसी। पीटीसी इंडिया भी एक सरकारी कंपनी है, लेकिन दो सरकारी नामों के विकल्प आपको दिए गए, एनटीपीसी और एनएचपीसी। इनमें अगर आप शिफ्ट कर जाएंगे और अगर ये बाउंस बैक होता है, कोई शेयर 230 तक आता है, तो आपको इसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए। दीपक जी, आपके लिए राय ये निकल के सामने आ रही है। डीसीडब्ल्यू पे शाहीन हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने यूट्यूब पेज पे अपना सवाल पूछा है। वो कह रहे हैं मेरे पास 100 शेयर हैं 68 रुपये के भाव पर। शाहीन जी, कल भी ये स्टॉक डिस्कस हुआ था, अगर आप मेरी गुजारिश माने तो कल का अगर आप शो यूट्यूब पेज से निकाल के देखें तो उसमें डीसीडब्ल्यू का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरी गुजारिश माने तो कल आपको उसका जवाब देख सकते हैं, आपको अपने सवाल का जवाब उसमें मिल जाएगा। इस बीच मनबोध कुमार मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून संदीप जी, आप काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मुझे रिकग्नाइज कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं सर कि HDFC में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इनफैक्ट मनबोध जी, HDFC को लेकर हमने पहले ही बातचीत कर ली है, सर ने आपको टारगेट प्राइस भी बताए हैं, कितना समय आपको रुकना है वो भी बताया है, कितना नज़रिया आपको लेके चलना है, किन लेवल्स पे एंट्री करनी है उसको लेके भी सारी बातचीत हो चुकी है। तो आप अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे वीडियो में तो आपको HDFC बैंक से जुड़ा हुआ जो जवाब है वो भी मिल जाएगा।